हजारीबाग झारखंड के हेमंत सरकार के गठबंधन की सरकार पर भारतीय जनता पार्टी इन दिनों सड़क पर है। हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, गठबंधन हटाओ, झारखंड बचाओ, माता बहनों को सम्मान दो जैसे अनगिनत नारों के साथ हाथों में भाजपा झंडा थामे पूरे झारखंड में आंदोलनरत है। इसी कड़ी में आज हजारीबाग केरेडारी की जनता ने झारखंड की कांग्रेसी झारखंड मुक्ति मोर्चा राजद गठबंधन सरकार की जन विरोधी नीतियों एवं पूरे राज्य में व्यापक भ्रष्टाचार तुष्टिकरण की राजनीति झूठ और लूट के विरोध में आयोजन आक्रोश रैली में सांसद प्रतिनिधि बड़कागांव बलेसर कुमार के नेतृत्व में जन सैलाब उमड़ी भारी भीड़ देखी गई है। यह रैली केरेडारी भाजपा सक्रिय सदस्य और मंडल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुई, जिसका नेतृत्व केरेडारी मंडल अध्यक्ष कर्मचारी साव और युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शेर सिंह और सुनील सिंह ने किया। रैली निर्धारित स्थान पर पहुंचने के बाद प्रखंड सांचल कार्यालय परिसर में घुसकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के जन विरोधी रवैये, स्थानीय प्रशासन अधिकारी की बाबुओं की मनमानी, नारेबाजी की। प्रदेश मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रसाद सिंह हजारों की तादाद में क्षेत्र से आई जनता को संबोधित करते हुए वर्तमान गठबंधन की सरकार के खिलाफ जंग बरसे और सरकार एवं स्थानीय वीडियो साहब और थाना प्रभारी के कई जन विरोधी नीतियों और कारगुजारियों का पोल खोला। सांसद प्रतिनिधि बड़कागांव बलेसर कुमार ने कहा कि जब से गठबंधन की सरकार बनी है राज्य में भ्रष्टाचार, अत्याचार, खनिज संपदा की लूट हुई है, खोरी सीमा पार कर रही है। सरकार और उनके अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और बिना चढ़ावा पैरवी का काम नहीं होता है। जब तक ये सरकार रहेगी तब तक गरीबों को सुनने वाला उनको कोई नहीं रहेगा, इसलिए सरकार को उठाकर फेंक देना चाहिए। सभी वक्ताओं ने बारी बारी से अपनी अपनी बातें रखी। कार्यक्रम में किसान मोर्चा जिला प्रभारी रामगढ़ राजू साव, सांसद प्रतिनिधि बद्री नारायण सिंह, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अमित प्रसाद गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता बहुत सारे उपस्थित थे। किरडारी से संवाददाता ज्ञान कुमार पासवान की रिपोर्ट। आज बीजेपी प्रखंड वाइज जो है सो धरना प्रदर्शन दे रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पूरे झारखंड में लोग त्रस्त हो चुका था और ना रोजगार का सृजन हो रहा था और जो बिजनेस व्यापार कहा जाए, खनिज संपदा कहा जाए, वो भी लूटने का काम चल रहा था और जनता चाहती थी कि उस मुहिम को लेके कोई पार्टी आगे बढ़े और उसको लेके भारतीय जनता पार्टी राज्यव्यापी 7 तारीख से हमारा आंदोलन चल रहा है पूरे झारखंड में। उसी क्रम में आज केरेडारी ब्लॉक में इस प्रदर्शन का किया गया। धरना प्रदर्शन प्रखंड में है, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ धरना का ये रूपरेखा जो बना है पूरे झारखंड में जनता के साथ जो छलावा किया गया है और जनता ठगा महसूस कर रही है, जनता का अधिकार बेचा जा रहा है, उनका रोजगार बेचा जा रहा है, उनका जितना भी अधिकार का जल जंगल जमीन का जो बात किए थे पूर्व में, ये वर्तमान सरकार उसको भी बेचने का काम कर रहे हैं। जो सरकारी पट्टा का बात होता है तो पूरे झारखंड में जितने भी ब्लॉक हैं वो भ्रष्टाचार से लिप्त है, इसलिए आज जो है कि हम लोगों को आंदोलन करने का एक नया रूपरेखा तैयार किया गया है और ये पूरे झारखंड में आज आंदोलन किया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा अभी वर्तमान झारखंड सरकार की जो रवैया है, जो नीति और नियत है, उस नीति नियत को पूरे जनता एकजुट होकर के और साफ करने का काम करेगी। जनता झारखंड सरकार को उखाड़ के फेंकने की काम करेगी। धन्यवाद। बीजेपी हर एक प्रखंड में जो अपना मोर्चा खोल चुकी है और आप लोगों ने दूर से आकर के प्रखंड को साथ दिया, क्या कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 7 नवंबर से 13 नवंबर तक पूरे झारखंड के सभी 263 प्रखंडों में उग्र प्रदर्शन करने का जो है काम शुरू किया है। यह इसलिए किया जा रहा है कि ये जो वर्तमान सरकार है ये अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, शासन का एक बाल मर चुका है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है और जो पूरी जो विकास कार्य है वो पूरी तरह से ठप है और ये सरकार ने जो वादे किए उन वादों में से एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं किया है। पूरे प्रदेश की जनता थका हुआ महसूस कर रही है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जो है आक्रोश प्रदर्शन कर रही है।